द फर्स्ट सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक मूव ऑफ बालाजी विश्वनाथ विच एनहांस हिज पावर, एनहांस मतलब बढ़ाना, एनहांस हिज पावर एंड प्रेस्टीज इन दिल्ली। तो ये कह रहा है पहला सफल उनका डिप्लोमेटिक का मतलब होता है जिसमें दो बातें एक साथ निकले, मूव लिया था विश्वनाथ बालाजी ने जिसमें उनकी पावर को बढ़ाया गया था और दिल्ली की इज्जत को, प्रेस्टीज मतलब इज्जत। वाज कंक्लूडेड विद द सईद ब्रदर्स इन फेब्रुवरी 1719। तो ये जो बाला विश्वनाथ ने किसके साथ लिया था मूव, इनके साथ सैयद ब्रदर्स के साथ में, और फेब्रुवरी 1719 में लिया था। इट सिक्योर्ड द रिलीज ऑफ साहूजीज फैमिली फ्रॉम द मुगल्स कैप्टिविटी। इसी मूव की वजह से मुगलों की कैद से साहूजी की फैमिली आज़ाद हो गई। मुगल्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड साहूजी एज शिवाजी इज लॉफुल सक्सेसर। मुगल ये मानते थे कि शिवाजी के कानूनी सक्सेसर मतलब जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन है, साहूजी हैं। दिस अलाउड हिम टू कलेक्ट चौथ, चौथ का मतलब टैक्स होता है जो आजकल टैक्स कहते हैं, एंड सर देशमुखी फ्रॉम कर्नाटक। तो इसकी वजह से साहूजी को अलाउ किया गया कि वो लोगों से टैक्स ले सकें। सर देशमुखी भी कर्नाटक में उसी का नाम, टैक्स का नाम था सर देशमुखी। तमिलनाडु एंड सिक्स सूबाज ऑफ द डेक्कन, कहाँ कहाँ से टैक्स ले सकते थे, कर्नाटक से, तमिलनाडु से और सिक्स सूबा से डेक्कन के। इन रिटर्न द मराठाज अग्रीड टू कीप अ कॉन्टीजेंट ऑफ 15,000 हॉर्सेज इन सर्विस ऑफ द मुगल्स। इसके बदले में मराठाओं ने अपने 15,000 घोड़े मुगल्स की सेवा में लगा दिए, एंड मेंटेन ऑर्डर इन द डेक्कन, और कानून का पालन करने लगे डेक्कन में। बालाजी वॉज एबल टू सिक्योर ऑर्डर विद इन द मराठा स्टेट। बालाजी मराठा राज्य में ऑर्डर देने के काबिल हो गए। ही मेड कंसेशंस टू द प्रोमिनेंट मराठा लीडर्स, उन्होंने जो शक्तिशाली मराठा लीडर थे उनको कंसेशंस दिए, एंड ग्रांटेड देम सर देशमुखी फ्रॉम दियर कॉन्कर्ड टेरिटरीज, और उनको इस बात की आज्ञा दी। सर देशमुखी क्या है, टैक्स की, वो जहाँ पे उन्होंने अपने टेरिटरी का मतलब जो राज्य उन्होंने जीते हैं वहाँ से टैक्स वो ले लें। ओनली कंडीशन ही इम्पोज ऑन देम, उन्होंने उनके ऊपर केवल एक ही कंडीशन लगाई, वॉज टू यूनाइट ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन पॉलिसी, किसी भी कॉमन पॉलिसी के ऊपर उन सबको एकता रखनी है। बालाजी वाजा फाइनेंशियल विजार्ड टू, विजार्ड का मतलब होता है कि कीड़ा, एक ऐसा कीड़ा जो बहुत ज़्यादा चलाक हो। तो बालाजी जो है फाइनेंशियल मैटर रखने के कीड़े थे, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे फाइनेंशियल नॉलेज में। ही न्यू दैट अ साउंड कैंपेन्स, ही न्यू दैट अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन वॉज नेसेसरी फॉर मिलिट्री कैंपेन। वो जानते थे किसी भी तरह का सैनिक हमला करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है। देयरफॉर मतलब इसलिए। ही टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू रिस्टोर सिविल गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट बनाने के लिए, वापस लाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, एंड लेड फाउंडेशन ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने एक बहुत सही से रेवेन्यू का मतलब टैक्स का सिस्टम लगाया इन द टेरिटरीज, अपने राज्यों में, डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल में अथॉरिटी थी वो सब राज्यों से टैक्स वसूलती थी, नोन एज स्वराज्य। इस टैक्स का नाम क्या था, स्वराज्य। द न्यू पॉलिटी अंडर बालाजी, पॉलिटी नहीं होगा पॉलिसी होगा, द न्यू पॉलिसी अंडर बालाजी वाज वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पावर हैविंग फोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो नई जो उनकी उन्होंने सिस्टम बनाया उसमें चार तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। पहला था द छत्रपति, एट द टॉप, टॉप पे जो होते थे उनके नाम के आगे छत्रपति लगता था। द पेशवा असिस्टेड बाय द अदर मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रिंग द स्वराज्य टेरिटरीज ऑन द बिहाफ। छत्रपति के बाद पेशवा होते थे, प्रोमिनेंट मराठा सरदार, उसके बाद मराठा सरदार्स होते थे जो टेरिटरी को जीतते थे, फिर लोकल यूनिट्स होते थे, मतलब उन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया था।